जालंधर पुलिस ने दो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो बाहर से शराब लाकर जालंधर में बेचने का काम करते थे। पुलिस ने उन्हें दमोरिया पुल के पास नाका लगाकर गिरफ्तार किया। जालंधर के थाना नंबर 3 के SHO नरेश कुमार जोशी के अनुसार उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक छोटे सामान ढोने वाले वाहन पर शराब लाकर जालंधर में बेचने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने दमोरिया पुल के पास नाका लगाया और वाहन से गुजरे एक वाहन को रोका, जिसके बाद वाहन की तलाशी लेने पर उन्हें उसके अंदर से 21 पेटी शराब बरामद हुई। पुलिस ने फिलहाल इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार राजा गट्टू और अजीव कुमार ये दोनों लोग बाहर से शराब लाकर जालंधर में बेचने का काम करते थे। इनमें से राजा गट्टू पर पहले से कई मामले दर्ज है। ब्यूरो फिर अचानक न्यूज जालंधर। कल 8 तारीख नोचन सिंह रजीत सिंह ने दमोरिया पर नाका लाया उन्हें एक छोटा हाथी उसका दिखाई दिता जो भजाने लगा तो उन्हें जो चैक किया उस राजा वर्मा उर्फ गट्टू एक संजीव कुमार मंत दो बंदे काबू के उन्हें 21 पेटियां शराब मिली थी तो जोड़ा इन्होंने खिलाफ FIR दर्ज कर जो राजा गट्टू है ये 7-8 केस पहले भी दर्ज है तो राजीव वर्मे के 3 केस पहले भी दर्ज है। सर कितों लैके आ रहे थे कितने जाना ये शराब जी लिया ने यह महिता चौंक के लागों लिया ने उतो चल रही शराब अच्छा ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਪੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ।